हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए बनाते हैं गाजर और फ्रेंच बीन की चटपटी सूखी सब्जी, जो बहुत ही कम समय में और स्वादिष्ट और टेस्टी बनती है। बनाने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मैंने यहाँ पे गाजर एक ले लिया है और 250 ग्राम बीन्स धो करके ले लिया है, और इसे काट लेंगे इस शेप में। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। और इसमें और भी सब्जियां आप काट सकते हैं, जैसे कि फूल गोभी, यहाँ शिमला मिर्च भी और हरी मटर भी आप ले सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे काट लिया है, और यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैंने तेल ले लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और यहाँ पर जीरा, 2 पिंच जीरा ले लिया है, और 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्ची, और 1 बड़ा साइज प्याज ले लिया है। इसे 1 मिनट तक हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए अच्छे से भून गया है, और इसमें कटा हुआ फ्रेंच बीन्स और गाजर को डाल लेंगे, और इसे 5 मिनट तक ढक ढक करके फ्राई करेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और देखिए मैंने इसे ढक ढक करके भून रही हूँ। ये हल्का सा सॉफ्ट होने लगा है, देख रहे हैं ना, ये हल्का सॉफ्ट हो गया है। और इसमें ऐसे करके ही हम 5 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए यहाँ पर ये सब्जी भून गई है 5 मिनट तक। तो इसमें डालेंगे अब हम मसाले। तो यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक का पेस्ट और रेड चिली पेस्ट 2 चम्मच, फिर हल्दी 1 चम्मच, और 2 चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, फिर गरम मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे 10 से 15 मिनट तक, लो फ्लेम रहेगा हमारा गैस का। और ये धीरे धीरे लो फ्लेम पर ढक ढक करके भूनने से सब्जी भी अच्छे से पक जाएगी हमारी, और ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आप इसे चावल, रोटी, नान के साथ और चपाती के साथ खा सकते हैं। ये सब्जी काफ़ी हेल्दी भी है, और इसे आप ढक ढक करके अच्छे से भून लीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये सब्जी भून गई है, देखिए कितनी ही यम्मी दिख रही है ये सब्जी। ये सब्जी की खासियत है कि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। देखिए ये सब्जी रेडी है, और आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें इसे गर्मा गर्म प्लेट पर रखिए, और धनिया पत्ती के से सजाइए, और ये खाने के लिए रेडी है। आप भी एक बार अपने फैमिली को इस रेसिपी को खिलाकर देखें। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।